सरपंच सरपंच प्रतिनिधि पंचायत मेंबर जिला परिषद मेंबर और मेरे साथ बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार अधिनियम के नाम पर तो जो बिल लेके आई है लोकसभा राज्यसभा में, वो किसान के अहित का बिल है और किसानों को सीधे तौर पर उससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि तुरंत प्रभाव से सरकार को इन बिलों को वापस लेना चाहिए। उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राज्यसभा में बात रखी थी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या सदन के अंदर हो गई जब राज्यसभा में वोटिंग नहीं करवा कर जबरदस्ती इस बिल को पारित मान लिया गया और राज्यसभा से पारित करवा कर इस बिल को इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है। चूँकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो कांग्रेस देश के 2 करोड़ किसानों से हस्ताक्षर करवा के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंपेगी और मांग करेगी कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए और पहले जो कानून बना हुआ है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे MSP खत्म हो जाएगी, इससे कृषि उपज मंडी ख़त्म हो जाएगी, इससे जो स्टॉक क्षमता बढ़ा दी गई है उससे महंगाई बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। किसानों के अहित में ये फैसला है जो भारत की आम जनता के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस ये विरोध कर रही है। इसी के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश पर राजस्थान के तमाम जिलों की तरह जालौर ज़िले में मैं प्रभारी के रूप में आया हूँ। यहाँ से 50,000 हस्ताक्षर जालौर ज़िले से जाएंगे, जिसमें एक एक विधानसभा क्षेत्र को 10,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य दिया गया है और आज यह बैठक रानीवाड़ा में आयोजित की गई है। इस बैठक में भाई परसाराम जी और रमीला जी इत्यादि सारे किसान भाइयों ने इसको अटेंड किया है और आने वाले 3 तारीख तक 10,000 हस्ताक्षर हम एकत्र करेंगे और जालौर ज़िले से 50,000 हस्ताक्षर एकत्र कर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। सर, भाजपा इन सभी बिलों को किसानों के हित में बता रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने शायद भाजपा के किसी नेता से बात की होगी और उन्होंने आपको बताया होगा कि ये किसानों के हित का बिल है, तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि कौन सा एक बिंदु है जो वो बताते हैं कि भाई ये बिंदु हमारा जो है वो किसानों के हित का बिल है, हित का बिंदु है। मुझे एक बताइए, मुक्त व्यापार, तो क्या इससे पहले हम लोग हमारे किसान क्या ऊंझा में जाकर जीरा नहीं बेच सकते थे, या हमारे लोग पंजाब में या हरियाणा जाकर अपना अनाज नहीं बेच सकते थे क्या? पहले भी करते थे। देखिए, MSP समाप्त करने का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना। इससे आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, इससे मोनोपोली शुरू हो जाएगी, लोग एकजुट होकर गरीब लोगों को किसानों को के साथ उन पर उनके हकों पर कुठाराघात करेंगे और जिस तरीके से स्टॉक क्षमता को असीमित कर दिया गया है उससे देश में कालाबाजारी होगी, पूंजीवादी व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी, समाजवाद समाप्त हो जाएगा, गरीब किसान मारा जाएगा। ये कांग्रेस का तर्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है ये किसान के हित का है तो उस पर डिबेट करवाइए हमसे, हमारे साथ बैठ के BJP का नेता डिबेट करे और वो बताए कि इस बिंदु पर वो ये जो है वो किसानों के हक में फैसला लिया गया है। खेती से जुड़े हुए ज़्यादा है और वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है, पशु पालक प्रधान देश है और उसमें सर्वाधिक लोग गांव में बसते हैं और वो खेती बाड़ी करते हैं गांव में बसते हैं और भारत की जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो अन्नदाता है यानी किसान। उन किसानों को केंद्र सरकार ऐसे बिल लाकर सारे हक हकूक से महरूम करना चाह रही है, सारे उन्हें वापस उसी जमीन का गुलाम बनाना चाहती है, उस जमीन का जिसने कांग्रेस ने उसको मालिक बनाया था उसको ये भारतीय जनता पार्टी उसको वापस गुलाम बनाना चाहती है। किसानों का खेती का इनसे कोई लेना देना नहीं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है BJP और ये पूंजीपतियों के लिए ही फैसले करते हैं। भारत की जनता को भूलने की आदत हम सब लक्कड़ है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कल क्या खाया था कितने लोगों को याद है भाई, बताओ देखिए, कल शाम किसने क्या क्या खाया था बताओ, आपके क्या बना था, आपने क्या बना था याद है किसी, बहुत कम लोगों को याद। हम भारतीय भूलते जल्दी है, आपको याद है एक नोटबंदी हुई थी, हुई थी हुई थी किसी को याद है? 16 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन नोटबंदी से पहले क्या हुआ था किसी को याद है? 2 महीने पहले फैसला हुआ था, एक काम हुआ था इस देश में नोटबंदी से 2 महीने पहले, एक काम हुआ था, क्या हुआ था किसी को याद है? किसी को याद है?
क्यों याद नहीं हमको, भूलने की आदत। एक व्यापारी ने पहली बार मुफ्त में कोई चीज बांटी, एक व्यापारी ने पहली बार कोई मुफ्त में चीज बांटी थी और भारत के लोगों ने खुश होकर वो सिम खरीदी थी कि हमको फ्री में डाटा मिल रहा है, हमको फ्री में कॉलिंग मिल रही है, खुश होकर ली थी। उसके बदले में पैसा तो उस व्यापारी ने नहीं लिया था, क्या लिया था हमसे, किसी को याद है? एक परिचय पत्र हमारा लिया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा परिचय देता है, परिचय पत्र था, वो उन्होंने लिया था। एक रुपया नहीं दिया अपने को सिम। उसके ठीक बाद नोटबंदी हुई। जब नोटबंदी हुई तो आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपके खाते में, आपकी बैंक में जमा था, लेकिन जब आप लेने गए तो कोई पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब चेंज कर रहे थे, एक्सचेंज हो रहा था वो पैसा, तो आपको क्या देना पड़ रहा था, याद है किसी को? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिचय पत्र, कोई इनको देना पड़ रहा था?